आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस वीडियो में हम हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और जनरल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3 एज ऑन 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो। मधु कैपिटल अकाउंट, विधि कैपिटल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। थर्ड एंट्री क्या दी है? जनरल रिजर्व। तो जब भी आपको जनरल रिजर्व के बारे में दिया गया हो तो आपने हमेशा इसको इसकी जो शेयरिंग रेशो है 2:3 आपने क्या करना है, इसको शेयरिंग रेशो से बांट देना और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे शेयरिंग रेशो क्या थी? 2:3। दैट मीन्स कि जनरल रिजर्व कैसे बांटेंगे हम? 2/5 एंड 3/5। इसके बाद दिया बिल पेबल। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन 10,000 एंड बैंक। जब प्रोविजन के बारे में बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, प्रोविजन, हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन। मधु एंड विधि डिसाइड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:3:5। ओल्ड रेशो भी दी थी और न्यू रेशो भी दी थी। दैट मीन्स कि आपने क्या निकालना है? सेक्रीफाइस रेशो। क्या निकालनी है इसकी? सेक्रीफाइस रेशो। गायत्री ब्रॉड 4 लाख एज हिज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कहता 4 लाख उसने कैपिटल लाई और जो उसका गुडविल प्रीमियम था वो उसने कैश में लाया। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 3 लाख। तो गुडविल कितनी दी है फर्म की? 3 लाख। तो उस गायत्री का शेयर क्या था? 5/10। तो दैट मीन्स 3 लाख इंटू 5/10, तो हमारे पास क्या आएगा? 1,50,000। जो गायत्री की गुडविल का शेयर होगा वो मधु और विधि अपनी सेक्रीफाइस रेशो से बांट लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यू बाय 26,000। कहता जो लैंड एंड बिल्डिंग थे ना उसकी अंडर वैल्यू कितनी बताई थी? 26,000। दैट मीन्स कि अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 5% है डेटर्स के ऊपर। तो आपने क्या करना है? 3 लाख इंटू 5% निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। तो 15,000 में से जो 10,000 ऑलरेडी गिवन है वो हमेशा माइनस करना है। तो आपने क्या करना है? 15,000 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 5,000। तो जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 डालना वो डेबिट साइड में डालना है। फिर उसके बाद आ गया दियर वाज ए क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। कहता है एक वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम आ गया 6,000। दैट मीन्स कि आपका क्या आ गया? लॉस। तो ये डेबिट साइड आएगा कहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आ गया? बाय एप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अप्रिशिएट हुई थी? 26,000। यहाँ पे इसने बोला था लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यू बाय 26,000। तो यहाँ पे क्या आ गया? बाय एप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप कंप्लीट भी लिख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पे डेटर्स दिए थे 3 लाख, आपने क्या किया? इसके ऊपर 5% निकाला, यहाँ पे आ गया 15,000 लेस ऑलरेडी डेब्टेड, कितना था? 10,000। आपने यहाँ पे माइनस किया तो बैलेंस कितना बच गया? 5,000। अब इसके बाद क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पे क्या गया? टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अमाउंट दी थी 6,000। अब आपने क्या करना है? इसका टोटल किया तो ये टोटल में आ गया 26,000। यही टोटल यहाँ पे आ गया 26,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया? 26,000 माइनस 11,000, 15,000। अब ये मधु की कैपिटल अकाउंट में और दूसरी विधि की
15,000 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल टू 5 1 5 3 6,000 मधु के अकाउंट में और विधि के अकाउंट में 15,000 इंटू 3/5 5 1 5 3 9,000 विधि के अकाउंट में कितना आ गया 9,000। तो अब इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है हमने, बाय बैलेंस ब्रांडून मधु की कैपिटल थी 5,20,000 और विधि की कैपिटल थी 3,00,000। यहाँ पे आ गई गायत्री में कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा बाय कैश अकाउंट और गायत्री की कैपिटल थी 4,00,000 और यहाँ पे आ गया बाय प्रीमियम। प्रीमियम किसने लाया था, गायत्री ने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गायत्री प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम दिया था यहाँ पे 3,00,000, दैट मीन्स कि गुडविल कितनी थी, हम इसको गुडविल भी लिखते हैं, गुडविल थी 3,00,000। गायत्री का कितना शेयर आ जाएगा यहाँ पे, 3,00,000 इंटू 5/10 तो 0,0 दैट इज 1,50,000। अब इसको कौन बांटेगा, मधु और विधि, कौन सी रेशियो से बांटेंगे इसको, मधु और विधि डालेंगे, लेंगे इसको सेक्रीफाइस रेशो से। तो अब क्या करेंगे, इसकी सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मधु की ओल्ड रेशो क्या थी, तो यहाँ पे लिखेंगे मधु सेक्रीफाइस, मधु की ओल्ड रेशो थी 2/5 और न्यू रेशो थी इसकी 2/10 दैट मीन्स 10 5 2 10 10 एलसीएम आ गया, 5 2 10 2 2 4 -2 दैट मीन्स 2/10 और विधि सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 3/5 -3/10 तो यहाँ पे क्या आ गया 10 5 2 10 3 2 6 6 -3 दैट इज 3/10 ये आ गया 2/10 और ये 3/10 तो इसकी सेक्रीफाइस रेशो क्या आएगी इन दोनों की 2:3। अब 1,50,000 को हम कैसे बांटेंगे, 1,50,000 इंटू 2/5 1,50,000 इंटू 3/5 5 3 90,000 विधि को और मधु को आ गया 60,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे 60,000 मधु को और 90,000 नहीं ये किसका आ गया, गायत्री प्रीमियम जो गायत्री ने लाया था यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आ गया बाय प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना था 6,000 और 9,000 रिवॉल्यूशन के ऊपर और इसके बाद आ गया बाय जर्नल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व दिया था 30,000 इंटू 2/5 30,000 इंटू 3/5 5 6 तो यहाँ पे कितना आ गया इसका 12,000 और इसको आ गया 18,000 यहाँ पे आ गया, और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका टोटल तो इसका आ गया गायत्री का आ गया 4,00,000 3,90,000 3,99,000 ये आ गया 4,17,000 5,20,580 5,80 5,90 5,98 और इनका आ गया 5,98,000 इसका आ गया 4,17,000 टोटल और इसका आ गया 4,00,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड ऑन, इसकी कैपिटल का कितना गया 5,98,000
इसका आ गया 4,17,000 और इसका आ गया 4 लाख। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले आ गया टू बैलेंस ब्रॉडोन, जो बैंक का बैलेंस था, यहाँ पे बैंक का बैलेंस दिया था 50,000, तो यहाँ पे आ गया 50,000। अब इसके बाद आ गया यहाँ पे टू गायत्री कैपिटल अकाउंट। गायत्री की कैपिटल थी 4 लाख। टू गायत्री गुडविल अकाउंट, अब गायत्री ने गुडविल का कितना पैसे लाए थे, 1,50,000, और इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हमने इसका टोटल किया तो ये आ गया हमारे पास 6 लाख, और यहाँ पे भी 6 लाख आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया, 6 लाख। अब इसके बाद हमने बनाना है बैलेंस शीट। अब इसके बाद बैलेंस शीट, मधु कैपिटल अकाउंट 5,98,000 जो बैलेंस दिया था, विधि का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया था 4,17,000, गायत्री की कैपिटल अकाउंट थी 4 लाख। अब इसके बाद आ गया हमारे पास बिल्स पेबल, बिल पेबल दिया था 1,50,000, और एडजस्टमेंट में बोला गया था वर्क मैन कंपनसेशन क्लेम, और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया था, 6,000, ये आ गया। अब दूसरी साइड लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 3 लाख। ऐड अंडर वैल्यू, तो 26,000 था, यहाँ पे आपने क्या क्या प्लस किया और अमाउंट लिख दी 3,26,000। फिर इसके बाद मशीनरी, मशीनरी में अमाउंट दिया था 2,80,000, तो यहाँ पे मशीनरी में कितना आ गया, 2,80,000। मशीनरी के बाद आ गया यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी, 80,000, यहाँ पे 80,000 आ गया। स्टॉक के बाद आ गया डेटर्स, डेटर्स दिए थे 3 लाख, लेस प्रोविज़न 5% दिए थे, तो कितना लिख दिया हमने, 15,000, माइनस करके आ गया 2,85,000। और इसके बाद बैंक, बैंक में हमने टोटल लिखा था 6 लाख, और एडजस्टमेंट कोई और थी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल अब इसका टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ गया 15,71,000, 15,71,000। तो ये था हमारा क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 62 टीएस गरेवाल का, जिसके अंदर हमने आज सीखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। तो आप नई कुछ वीडियोस अपलोडेड होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियोस तो जैसे ही अपलोड होगी तो पहले आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू।